अब जो मैं नाम जो उन्होंने सिलेक्ट किया और जो नाम मैं लेने लगा हूँ, वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि कदावर तो हैं लेकिन वो टेम्प्री अरेंजमेंट के लिए बिल्कुल मुनासिब हैं, और उनकी नॉमिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये कोई माइनस वन फार्मूला नहीं है, ये कोई कू नहीं है, ये इमरान खान साहब के अपने नॉमिनी हैं और ये एक आर्जी तौर पे जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं उसके मुताबिक मुनासिब हैं। ये जो र्यूमर्स चल रहे थे कल के या उससे पहले भी कि कोई माइनस वन हम करेंगे, बिल्कुल नहीं। पीटीआई इमरान खान हैं और इमरान खान पीटीआई हैं। पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब के बगैर कुछ नहीं। कागज़ पे अगर आप चेयरमैन हों या ना हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो लीडर हैं और मुस्तकिल लीडर हैं वो इमरान खान साहब ही हैं। अभी चूँकि हमने कानूनी जो हमारी कार्रवाई है वो पूरी करनी है, कानून के तकाजे पूरे करने हैं, इलेक्शन कमीशन का गैर आइनी और गैर कानूनी जो ऑर्डर है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें इसलिए ये करना पड़ रहा है। और अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम ओहदेदार हैं, एक रुकन हैं, और वो ये टेम्प्रेरी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। इसके अलावा अगर कोई सवाल होंगे तो मैं आपका जवाब दे दूंगा, लेकिन अगर बैरिस्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे तो उनकी बात भी।